कुछ दिन पहले जिस बेटे की सगाई हुई थी उसी बेटे की शादी की खरीदारी के लिए घर वाले सामान लेने बाजार गए थे। घर में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही थी, तभी एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे परिवार की खुशियों को एक पल में मातम में बदल दिया। दरअसल जिस बेटे के सिर सहरा सजाने की तैयारियां हो रही थी वो बेटा अरुणाचल प्रदेश में अमर बलिदानी हो गया। ये खबर सुनते ही बलिदानी की माँ बदहवास हो गई। वीर जवान की बहनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो पा रहा था कि उनका लाल वीरगति को प्राप्त हो गया। बता दें कि जवान अमित कुमार बिहार के बोरही गांव के रहने वाले थे। वे अरुणाचल प्रदेश में भारतीय की सेवा में तैनात थे जहां वे वीरगति को प्राप्त हो गए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि जवान की शहादत कैसे हुई। वीर जवान तीन बहनों के इकलौते भाई थे। कुछ दिन पहले ही उनकी सगाई हुई थी और जल्द ही शादी होने वाली थी कि तभी ये हादसा हो गया और जवान अमित अमर बलिदानी हो गए। वहीं दूसरी खबर यूपी के मैनपुरी से है जहां तरौली गांव के जवान हरीश ड्यूटी के दौरान अमर बलिदानी हो गए। दरअसल जवान हरीश असम के कछार क्षेत्र के सिलचर में ड्यूटी पर तैनात थे। बीते रविवार को अचानक उनके सीने में दर्द हुआ। साथियों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जहाँ इलाज के दौरान जवान हरीश वीरगति को प्राप्त हो गए। बुधवार को जैसे ही बलिदानी का पार्थिव शरीर पैतृक आवास पहुंचा तो तिरंगे में लिपटा बलिदानी का पार्थिव शरीर देख परिजन बिलक उठे। आसपास के गांव के हजारों लोग वीर जवान के अंतिम दर्शन के लिए वहां पहले से ही मौजूद थे। नमाकों से लोगों ने बलिदानी को पुष्प चढ़ाकर नमन किया। जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पूरे सैन्य सम्मान के साथ बलिदानी हरीश का अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि जवान हरीश तरौली गांव के रहने वाले थे। वे साल 2008 में असम राइफल में भर्ती हुए थे। वर्तमान में उनकी तैनाती असम के कछार क्षेत्र के सिलचर में थी जहां मां भारती की सेवा करते हुए जवान हरीश वीरगति को प्राप्त हो गए। शिवालिक जनरल जवान अमित कुमार और जवान हरीश को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, साथ ही राष्ट्रीय सेवा के लिए उनका दिल से धन्यवाद करता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।